को अच्छाई को कोई नहीं देखता, लेकिन बुराई पे सबसे पहले लोगों का नजर जाता है। इससे साफ साफ दर्शाया जाता है, जबकि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह इस बात को बता रहे हैं कि मैं यूट्यूब वाले को ये गलत चीज या ऐसी धारणा, ऐसी साफ ऐसी वर्ड को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस चीज को आरोप लगाया जाता है। और कौन यूट्यूबर है जो काम कर रहा है मेरे मसीह भाई, तो हम आप सबसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि इन यूट्यूब लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, बुद्धि ज्ञान दे, और कोई प्रभु के दास या प्रॉफिट हो किसी के ऊपर बदनामी नहीं किया जाए। और जैसा कि कोई लोग जो है पंजाब में दो ही ऐसे पास्टर प्रेरित है, प्रॉफिट है, जो काफी मिलकर काम कर, जैसे कि प्रॉफिट विजेंद्र हो गए, अंकुल नरोला हो गए, तो इन दोनों के बीच में भी क्या प्रॉफिट थापर ब्रदर ये बने, क्या ये फूट डालने की कोशिश किया जा रहा है? देखिए, उसमें एक वीडियो काफी सोशल मीडिया के ऊपर डाली जा रही है, उसमें अंकुल नरोला जी की वीडियो को एडिट कर और प्रोफेसर ब्रजेंद्र जी की वीडियो को एडिट कर और इसमें कुछ लोग जो शरारती लोग होते हैं, जो समाज को एक साथ मिलजुल कर देखना नहीं चाहते भी समाज एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, बहन भाई मिलजुल कर रहे, मसीही बहन भाई एक दूसरे मिलजुल कर रहे, वो लोग फूट डाल रहे हैं और एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं कि इनों में आपसी झगड़ा हो, आपसी फूट डलें, ये मिलकर ना रहें, परमेश्वर के राज्य की सेवा ना करें, वो सिर्फ एक दूसरे में नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात बोलना चाहता हूँ, आप सच्चाई को दिखाएं, सच्चाई को बताएं। आने वाले दिनों में मैं जल्दी इस पर नेशनल मीडिया के ऊपर भी आकर सारी बातों को बताऊंगा। जो जो चैनल बोल रहे हैं, जो वेब चैनल हैं, जो यूट्यूब चैनल हैं, और जल्दी उनके ऊपर भी हम कंप्लेंट देंगे जो ऐसा वायलेंस कर रहे हैं। हाँ, ये कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये एक तो वायलेंस की जल्दी उनको नोटिस भेज दिया जाएगा, हम कानूनी प्रक्रिया जो कानून का सहारा भी लेंगे। जो यूट्यूब चैनल है, जो फेसबुक चैनल है, जो बदनाम करने में लगे हैं, जो वॉयलेंस करने में लगे हैं, जो पंजाब की शांति को खराब करने में लगे हैं, देश की शांति को खराब कर रहे हैं, आपसी दो ऑर्गेनाइजेशन को लड़ाने का यत्न और प्रयास कर रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आमीन।